सारंगपुर के विकास खंड में 25 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान सुबह से ही लगना प्रारंभ हो गया था। महाअभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का डोज लगाया गया। वहीं 26 अगस्त के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 6000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। तहसीलदार सौरभ वर्मा ने कहा कि कई लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे थे। लोगों में भय व अफवाह फैली हुई थी, जिससे प्रशासन के द्वारा घर घर जाकर अपील की गई। यहां तक कि लोगों के घर पर पीले चावल भी बांटे गए, जिससे लोगों में जागरूकता फैली व वैक्सीनेशन करवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर अधिक मात्रा में लोग आने लगे। इसी के साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्रथम डोज लगाने के बाद दूसरा डोज लगवाना अनिवार्य है। वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मल जैन ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकने का सबसे सरल व एकमात्र उपाय टीकाकरण है। आगे उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाए, अपना व अपने परिवार को सुरक्षित रखे। वहीं कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने भी वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। कोविड वैक्सीनेशन के महाअभियान के द्वितीय चरण में आज 25 अगस्त को राजगढ़ जिले में महाअभियान आयोजित किया गया, जिसमें कि अभी तक राज्य शासन द्वारा निर्धारित 55,000 के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 61,000 डोजेस लगाए जा चुके हैं। कल 26 अगस्त को लगभग 30,000 डोजेस का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से सेकेंड डोजेस रहेंगी और कुछ फर्स्ट डोजेस भी रहेंगे। सभी से आग्रह है कि कल भी इसी तरीके से उत्साहपूर्वक आएं और जो लोग सेकेंड डोज के लिए ड्यू हो गए हैं वो लोग सेकेंड डोज लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। आज के इस पूरे कार्यक्रम में पूरा स्वास्थ्य विभाग का अमला, विभिन्न शासकीय विभागों के सभी कर्मचारी अधिकारी, समस्त सम्मानीय जनप्रतिनिधि, समस्त जन धर्मगुरु, समाजसेवी, मीडिया, समाज का हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ था और सभी ने मिलकर के इस अभियान को सफल बनाया है। हम यही लक्ष्य रखते हैं कि हम जल्द से जल्द राजगढ़ जिले में प्रथम डोज कंप्लीट करें और उसके बाद द्वितीय डोज भी कंप्लीट करें, ताकि कोविड की तीसरी लहर से हम सभी का बचाव हो सके। शासन के मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत आज दिनांक 25 अगस्त को सारंगपुर का जो टारगेट था वो 10,800 वैक्सीन का था, जिसके तहत 20 केंद्रों का निर्धारण किया गया और 10,800 के विरुद्ध 12,293 वैक्सीन सारंगपुर में लगाए गए, जो लगभग 113% वैक्सीन सारंगपुर में लगाए गए। लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है और बहुत उत्साह के साथ लोगों ने अपना वैक्सीनेशन आज सारंगपुर में करवाया है। ऐसा ही एक सेशन कल सेकेंड डोज का सारंगपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें कुल 11 केंद्र रखे गए हैं और 6,000 डोज रखे गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़कर इस ड्राइव में हिस्सा लेंगे और सेकेंड डोज भी कल अपने कंप्लीट करवाएंगे। 20 ग्राम पंचायतों के गांव में आज कैंप रखा गया था, जिसका 10,800 का लक्ष्य था। अभी तक हम शाम 6 बजे तक 120% का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। कुछ ग्राम पंचायतों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जहाँ 150% वैक्सीनेशन किया गया है। कल भी दिनांक 26 तारीख को भी कैंप है, तो सभी ग्रामीणों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इस महावैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कोरोना जैसी महामारी जो बीमारी है उससे महामारी के लिए जो 25 और 26 तारीख को महावैक्सीन अभियान सारंगपुर में चलाया गया था, वो लक्ष्य से अधिक होकर 5 बजे तक अभी 104% हो चुका है। कल भी 26 तारीख को भी इसी तरह से अभियान रखा गया है। यह अभियान भी निश्चित रूप से जो लक्ष्य है उससे अधिक ही होगा। मैं जनता से अपील करता हूँ कि शासन की जो सुविधा है, हम उस सुविधा का लाभ लेते हुए जल्द से जल्द वैक्सीकरण करवा लें। जिन लोगों ने प्रथम डोज नहीं लगवाया है वो लोग प्रथम डोज लगवाएं, और जिनका दूसरे डोज की तिथि आ गई है वे सभी लोग अपना दूसरा डोज लगवाएं, ताकि हम सब सुरक्षित हो सकें। मैं प्रशासन को भी एक सुझाव देना चाहता हूँ कि सारंगपुर और पचोर में, चूँकि बड़े सेंटर हैं, यहाँ पर प्रतिदिन वैक्सीकरण के लिए लक्ष्य रखा जाना चाहिए और प्रतिदिन यहाँ पर वैक्सीकरण लगाया जाना चाहिए, जिससे आम जनता को लाभ मिल सके।
बता दें कि 26 अगस्त को भी वैक्सीनेशन महाअभियान जारी रहेगा। बुधवार को मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण में प्रदेश ने वैक्सीनेशन का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और 21,34,008 लोगों को टीका लगाया। सारंगपुर से मृदुभाषी के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।